लॉकडाउन के दौरान जहां कारोबार मंदी की कगार पर चले गए थे और जनता को दैनिक जरूरतों की पूर्ति लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं इसका फायदा उठाकर कुछ पुलिसकर्मी चेकिंग के नाम पर कोई न कोई कमी निकालकर वाहन चालकों से वसूली पर लगे हैं। अगर ऐसे पुलिसकर्मियों की मांग पूरी नहीं होती है तो जानवरों की तरह उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बरेली के बिहारीपुर पुलिस चौकी पर चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों को दिशा निर्देश देने के बजाय उनकी गाड़ियों और सिरों में डंडे बरसा रहे हैं। अमित शर्मा के साथ शोभित अग्रवाल की रिपोर्ट। इसने इसके सिर में डंडा मारा है, वो हेलमेट था इसके लगा हुए। बताओ यार कैसा पुलिस वाला है ये? कहाँ मारा इसके डंडा, कहाँ? मुंह के पास इसने, पुलिस वाले ने? बताओ यार। अरे उसके सिर पर लगाई क्या? अरे इसके पैर में भी चोट है लड़के के, पट्टी बंधी भी है। देख यही भी है ना, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, देख 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 देखिए। ये देखो पुलिस की दादागिरी, ये देखो इसकी। ये एक रिक्शे वाले को इसने मारा उतार के, और एक अंकल थे बूढ़े उसको मारा, और इसके सिर में डंडा मारा इस लड़के के। ये बरेली का है, देखो अब ये गाड़ी तोड़ रहा है, ये देखो इसकी मक्कारी। ये जैसा इसका बाप रुपया देगा इस गाड़ी को संभालने का, चालान काट सकता है, गाड़ी को तोड़ रहा है ये। और बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और खूब तोड़ फोड़ कर रहा है, बड़ा फुल बदमाशी है पूरा इसकी। इसके हाथ से डंडा नहीं छूट रहा, सीधे सिर में और पेट में डंडा मार रहा है एकदम डायरेक्ट। नाम मालूम नहीं, पास जा नहीं सकते, क्या पता हमको मार दे। और अंकल जी हैं ये, दूसरे पुलिस वाले हैं, एक ये हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सीधे मार रहा है, सीधे सीधे पिटाई लगा रहा है। पता नहीं दादा बनना है पूरा ये। इसको देखो, इसका कल सुबह इसको वायरल करो। ये ऐसी कोरोना के नाम पर, मास्क के नाम पर, या हेलमेट के नाम पर इसके सिर में डंडा मारा, वो तो हेलमेट लगाए हुए था बंदा।